सब्सक्राइब करिए मिस्टर टेकी को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियोस को देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी, एक और टेक वीडियो में आपका स्वागत है। यहां पर दोस्तों मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने हुआवी ऑनर 8 को, जो एक इंडियन वेरिएंट है, अपग्रेड कर सकते हैं यहां पर एंड्रॉयड नूगट में। जी हां दोस्तों, मैंने हाल ही में ऑनर 8 दोबारा लिया था amazon.in से। पुराना वाला जो मैंने डिवाइस था उस टाइम पे सेल कर दिया था, दोबारा लिया है क्योंकि इस टाइम पे इसका प्राइस थोड़ा सा कम हो गया था। बट जब ये मेरे पास वर्जन आया तो इसमें मार्शमेलो ही चल रहा था। सो मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करके देखा कि कैसे आप इसको एंड्रॉयड नूगट में ला सकते हैं विद द EMUI 5.0, जैसे कि आप दिखा सकता हूं मैं यहां पर आपको। अभी आप देख सकते हैं Honor 8 लिखा हुआ है और यहां पर EMUI का जो वर्जन है वो है 5.0.1 एंड Android वर्जन यहां पर 7.0 आपको देखने को मिल जाता है। सो ये अपग्रेड जो था नॉर्मल, अगर मैं यहाँ पर सिस्टम अपडेट में जा रहा था तो यहाँ से ये नहीं आ रहा था। एंड मैंने इंटरनेट पे भी ढूंढने की कोशिश करी कि इंडियन वेरिएंट्स को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, ज़्यादा ऑप्शंस मुझे देखने को नहीं मिले। बट थोड़ा सा और सर्च करने के बाद मैंने ढूंढ ही लिया कि कैसे आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा मुझे अपग्रेड करने में, बट देन मुझे लगा ये व्यूअर्स को मुझे ज़रूर बताना चाहिए। नाउ अगर आप अपने डिवाइस को जो है अपग्रेड करना चाहते हैं, सो फिलहाल सबसे पहले आपको देखना है सिस्टम अपने फोन के अंदर जाकर कि आप अभी फिलहाल कौन से बिल्ड नंबर पे हैं। जैसे जब मैं शुरू हुआ था तो जो बिल्ड नंबर के लास्ट के जो 4 डिजिट्स हैं बेसिकली ये जो थे मेरे वो B130 थे, जो सबसे इनिशियल वर्जन जो यहाँ पर आया था जब ये फोन लॉन्च हुआ था, तो वो वाला वेरियंट जो वो वाली बिल्ड जो है इसके अंदर आई हुई थी। सो मैंने बिल्ड नंबर 130 से स्टार्ट किया एंड देन आई केम टू बिल्ड नंबर 350। प्ले स्टोर में एक ऐप है यहाँ पे फर्मवेयर फाइंडर, सो इसको आपको डाउनलोड करना है, फर्मवेयर फाइंडर को। सो जैसे ही आप इस फर्मवेयर फाइंडर को डाउनलोड करते हैं आप इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी डिवाइस का नाम लिखा हुआ आ जाएगा FRLD02, उस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी बिल्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके डिवाइस के लिए वो सारी आ जाएंगी। नाउ आपको देखना है कि आप कौन से बिल्ड नंबर पे हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल आपको बिल्ड नंबर 170 तक आना है, अगर आप उससे कम है तो आप चेक करिए कौन से बिल्ड नंबर पे है। यहाँ पे जो B10 के बाद जो है वो B150, B140, B130, मैं जब था मैं 130 पे था, 130 से आपको 140 पे आया, 140 से 150 पे आया, देन 60, देन 70। उसके बाद जो यहाँ पर लेटेस्ट बिल्ड दे रखी है वो आपको ऑप्शन देगी कि आप डायरेक्ट बिल्ड नंबर 170 से 350 पे आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट जंप मारने की कोशिश मत करिएगा, ऑप्शन नहीं होगा, फालतू में फाइल डाउनलोड करेंगे बट वो काम नहीं करेगी। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं वैसे ही करने की कोशिश करिएगा, एंड्रॉयड नूगट में अपग्रेड कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए क्लियरली मेंशनड है जो डिवाइसेस B170 पे हैं वो अब B350 पे आ सकती हैं अगर वो इस अपडेट को यूज करती हैं। नाउ ये तो समझ में आ गया कि आपको कौन सी बिल्ड से काम करके कौन सी बिल्ड तक आना है, बट बिल्ड यूज कैसे करनी है। सो जैसे अब आपको फिलहाल समझ में आ गया कि अब आपको 350 वाली बिल्ड जो है यूज करनी है, आप जाएंगे इन ऐप प्रॉक्सी पे, इन ऐप प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली एक मोड में आ जाएगा जहां पे प्रॉक्सी सर्वर रन कर रहा होगा। प्रॉक्सी सर्वर को कम्प्लीटली रन करने के लिए यहां पर कम्प्लीटली सेटिंग्स दे रखी है, इसी को ही फॉलो कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। आपको सर्वर को अपडेट करना है बाय द नेम ऑफ लोकल होस्ट और पोर्ट को अपडेट करना है बाय नंबर 8080 और उसके बाद सिस्टम अपडेटर पे जाएंगे एंड तो ऑटोमेटिकली अपडेट आपके फोन में ही आ जाएगी। लाइक मैं आपको शो करके दिखाता हूं, आप जाइए यहां पे सेटिंग्स में, जाइए वाईफाई पे क्लिक करके रखेंगे, उस पर जाएंगे मॉडिफाई नेटवर्क, मॉडिफाई नेटवर्क पे जाने के बाद शो एडवांस ऑप्शंस, देन क्लिक ऑन प्रॉक्सी, प्रॉक्सी के बाद क्लिक करिए मैनुअल पे, मैनुअल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डालिए लोकल होस्ट, यहाँ पर डालिए 8080 और उसके बाद इसको सेव कर दीजिए। जैसे ही इस सेटिंग को आप सेव करेंगे आप जाएंगे सेटिंग्स में, उसके बाद जाएंगे सिस्टम अपडेट में, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको नए अपडेट जिस बिल्ड नंबर के लिए अपडेट आप कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया है बिल्ड नंबर आप चेक करिए कौन से बिल्ड नंबर पे है एंड स्टेप बाय स्टेप ही जाने की कोशिश करिए, एकदम से जाएंगे क्योंकि फाइल्स काफी ज्यादा बड़ी हैं। मेरे पास तो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, यहाँ पर मेरे पास 100 Mbps आती है, सो इतनी सारी फाइल साइज से मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है। बट अगर आपके पास स्लो स्पीड कनेक्शन है तो थोड़ा सा जरूर टाइम इसमें लग जाएगा। सो ये था दोस्तों कैसे आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने Honor 8 को एंड्रॉयड नूगट 7.0 पे। हो सकता है काफी ज्यादा लोग ऑलरेडी कर चुके हों, बट जिन्होंने नहीं किया है वो जिनके पास इंडियन वेरिएंट्स हैं वो इस मेथड को अगर फॉलो करते हैं तो वो फॉर श्योर अपग्रेड कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ये था कैसे आप अपग्रेड करेंगे Honor 8 को एंड्रॉयड नूगट पे। बताएगा दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर पर्सनली रिप्लाई करूंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद।